This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. पांवटा साहिब के भगवान परशुराम चौक पर चल रहे गौवंश संरक्षण आंदोलन के बारहवें दिन व क्रमिक भूख हड़ताल के छठे दिन मंगलवार सुबह 11 बजे सामाजिक गौ प्रेमी अधिवक्ता मुकेश चौधरी आगामी 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौ सेवकों सहित पंडित सुभाष भट्ट व पंडित किरण शर्मा ने गौ अधिकारों के लिए पिछले कल क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे गौ सेवक सुनील चौधरी को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया और गौ सेवक मुकेश चौधरी को विजय तिलक व माल्यार्पण कर 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठाया गया। सचिन ओब्रॉय ने बताया कि मांगे न मानने तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसा कि पूरा पांवटा नहीं पूरा हिमाचल प्रदेश देख रहा है कि जो गौवंश बेसहारा सड़कों पर घूम रहा था उसके लिए पांवटा में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। समस्त हिंदू संगठनों का सहयोग हमें मिल रहा है और आज धरने का 12वां दिन है और कार्मिक भूख हड़ताल का 6ठा दिन है। आज हमारे बीच में मेरे बड़े भाई पेशे से अधिवक्ता हैं मुकेश चौधरी जी, 24 घंटे के कार्मिक अनशन पे भूख हड़ताल पे वो आए हैं। प्रशासन से अनुरोध करूंगा मैं कि कृपया जल्दी से जल्दी इसका कोई रिजल्ट निकालें, क्योंकि जो कानून की धाराएँ हैं वो हमारे जो अधिवक्ता महोदय सारा अच्छी तरह से जानते हैं और एक साल पूर्व प्रशासन ने एक समझौता किया था और उस समझौते के तहत आपने कोई भी बात जो है उस दौरान जो अनशन हुआ था उसकी नहीं मानी है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कृपया टकराव की स्थिति आने से पहले कोई वार्तालाप करके इस धरने का कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए, अन्यथा फिर परिणाम जो है वो आगे जो है वो नेगेटिव होंगे। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। पांवटा साहिब में 12वां दिन है गौ माता के संरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसका, और 12वें दिन भूख हड़ताल 12 घंटे की 24 घंटे की भूख हड़ताल के लिए आज मैं निकल हुआ हूँ। मुझे सेवा का अवसर मिला है तो हमारी जो मांगे हैं वो उन्हीं मांगों पे मैं कहना चाहूँगा जो सचिन भाई ने पहले अपने मांगे रखी हुई हैं कि हर पंचायत में गौशाला का निर्माण किया जाए। तो आजकल जैसे कि हमने देखा है कि हमारा गौ माता जो है गौवंश जो है ये एक बीमारी से ग्रसित है और इस बीमारी के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती नज़र आ रही है। तो इसके खिलाफ कोई सरकार जो है कोई ठोस कदम उठाए और जो ये लोग आजकल छोटी छोटी डेयरियाँ खोल लेते हैं जिनके पास ना ज़मीन है ना कुछ है और डेयरियाँ खोलने के बाद दूध गाय का बेचा और पिया इस्तेमाल किया उसके बाद गाय को रोड पर छोड़ दिया, इन ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। और इनके लिए कोई बिल्कुल ऐसा कानून बनना चाहिए कि ये लोग आके एक गांव जो हमारी गौ माता है इनको रोड के ऊपर छोड़ने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। और पक्की प्रशासन से ये है कि कम से कम जो जिस नींद में आप सोए हुए हैं कम से कम आप तो जाग जाओ। कुंभकर्ण भी 6 महीने के बाद जाग गया था लेकिन आप तो जागते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हैं कहीं ना। तो मैं और आम आदमी से जो आम जनता है, मैं भी एक आम जन हूँ और आप आम जन से सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस मंच पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े ताकि हमारी गौ माता को हम रोड पे जैसे रोड पे एक्सीडेंट से मरने से बचा सकें और इनको जैसे आजकल नया रोग चल रहा है हम लोग आगे आएंगे तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत शर्मिंदा होकर या कैसे भी कहीं ना कहीं से आगे तो आएगा। तो इन गौ माता के की रक्षा के लिए हम लोग आए हैं तो हम समस्त समाज से हाथ जोड़कर विनती है कि समस्त समाज आगे आए और इस मंच पे आके कम से कम थोड़ा बहुत सहयोग तो करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। 50 साल पहले हमारे पास आप नहीं आए, आए थे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी, वो थी इस रिश्ते की बुनियाद। उसके बाद आपके पिताजी, माँ और अन्य परिवारजनों ने इस रिश्ते को जारी रखा। 50 साल से जुड़ा हुआ ये रिश्ता ही तो है जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस विश्वास के अटूट बंधन में बांध के रखा है और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं आपके साथ। आइए गहनों से भरे हमारे 5000 स्क्वायर फीट में फैले भव्य शुरू जहां आप पाएंगे आपकी सेवाओं में हमारे तकरीबन 100 से अधिक सहकर्मी उसी 50 वर्षों से चली आ रही गारंटी के साथ सही कीमत
पूरी शुद्धता और जिंदगी भर की सेवा के वादे के साथ। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स पर। और हाँ, अपने बच्चों को साथ लाना मत भूलना, आखिर आपकी और हमारी परंपरा को वही तो कायम रखेंगे।